नमस्कार बड़े दिनों से एक बात है जो जहन में अटकी हुई है तो आज की वीडियो उसी के बारे में है बेसिकली टूडे आई वुड वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट मीडिया वर्ट इज मीडिया मीडिया इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड मीडियम या फिर माध्यम किस चीज का माध्यम uh, जिससे हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं या फिर यू नो एज वी से लाइक यू नो मास मीडिया कम्युनिकेशन सो बेसिकली हाँ किसी भी माध्यम जिससे आप सूचना एक्सचेंज करते हैं इधर से उधर डिसेमिनेट करते हैं जैसे पुराने जमाने में क्या है कबूतर के द्वारा पिजन्स थ्रू बर्ड्स एंड पिजन्स यू कुड सेंड मैसेजेस या फिर ह्यूमन मैसेजर्स हुआ करते थे वैसे ही धीरे धीरे पत्र आए लेटर्स पोस्टल सिस्टम टेलीग्राम एक्सेट्रा एंड नाउ वट डू वी हैव वी हैव आर फोन्स वी हैव द इंटरनेट एंड टेलीविजन तो है ही सो अबाउट ऑल ऑफ दिस यू नो बेसिकली इट कम्स डाउन इन्फॉर्मेशन एवरी थिंग इज इन्फॉर्मेशन सूचना सब कुछ एवरी डिटेल आपके पर्सनल डिटेल्स आपका क्या नाम है क्या उम्र है ये सब भी इन्फॉर्मेशन है और जहां से लेकर नेशनल सिक्योरिटी की जो बात आ जाती है कि हमारे आर्म फोर्सेज के पास क्या क्या हथियार है एवरी थिंग इज इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन क्या है लेकिन वही है हम एक आदर्श दुनिया में तो नहीं जीते जहां पे सब कुछ हमें सही सही बताया जाता है सो इन्फॉर्मेशन कैन बी करेक्ट एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी फॉल्स और इनकरेक्ट यानी झूठी इन्फॉर्मेशन सूचनाएं भी होती है सो बेसिकली द फर्स्ट टॉपिक इन्फॉर्मेशन एंड सोर्स सोर्स क्या है स्रोत किस सोर्स से आपको ये सूचना आ रही है वो जानना बहुत जरूरी है खासकर हमारे टाइम में जहां पे क्या है आपने सुने होंगे ये शब्द आजकल फेक न्यूज चलते रहता है ये फेक न्यूज है वो फेक न्यूज है और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि इट्स सो इजी टू मैनिपुलेट एनीथिंग यानी आप मेरा चेहरा किसी और के शरीर पर डालकर एक फेक वीडियो बना सकते हैं फोटोज बना सकते हैं जैसे आपने फेस ऐप आप करके कुछ एप्लीकेशन है फोन पे जिससे क्या है आप आदमी को औरत बना सकते औरत को आदमी बना सकते हैं एक 20 साल के किसी इंसान को आप 60 साल का बूढ़ा बना सकते हैं एंड इट विद बोथ फोटोज एंड लाइक यू नो लॉट्स ऑफ तो ये सब तो सब है ही तो किस पे विश्वास करे किस पे ना विश्वास करे तो इन सब के बीच में द बिगेस्ट कल्परेट आई फील जिसे क्या है एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से कुछ लोग उसका व्यंग करते हैं मजाक उड़ाते हैं तो व्हाट्सएप आई फील इज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्परेट जहां पे क्या है कोई चेक नहीं है हम कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और एक मान्यता मैंने देखी एक मानसिकता ऐसी है लोगों में कि अगर इंटरनेट पे है तो शायद सच ही होगा बट लाइक यू नो यू मस्ट हैव सीन एग्जाम्पल्स ऑफ दीज थिंग्स जैसे आप किसी का भी गांधी जी का फोटो लगा दो या फिर टेगोर का एक फोटो होगा और साइड में कुछ पंक्तियां दी होंगी जरूरी नहीं है कि वो उन्होंने बोली है लेकिन हमें अब ऐसी कंडीशनिंग है हमें ऐसा लगता है कि अगर फोन पे एक ये जो ऐसा मीम आ गया है तो शायद गांधी जी ने ही बोला होगा चाहे वो कुछ भी उल्टा हो जैसे आई विल शेयर सम एग्जाम्पल्स एक यू नो हाँ, तो वैसे इसीलिए यू you नो know, दिस ये जो स्रोत टू नो द सोर्स की ये जो आपकी जो सूचना कहां से आ रही है जानना बहुत जरूरी है और उस सोर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है क्या विश्वसनीयता है क्या झूठ है क्या सच है तो ये तो है ठीक है ये दीज आर थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो आम जो उस पर क्या है व्हाट्सएप पे जैसे कोई भी कर सकता है इवन विकीपीडिया फॉर इंस्टेंस यू नो आप और मेरे जैसे लोग बैठ के वहां पे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं सो इट्स नॉट नेसेसरली करेक्ट खासकर व्हाट्सएप में मैं कुछ भी आपको मैसेज कुछ भी लिख के आपको भेज सकता हूं जैसे मैं अपने बारे में बोल सकता हूं कि ईशान मार्वल इज द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड और साथ में मैंने क्या है नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया <laughs> लेकिन इससे सच नहीं हो जाती है बात तो इन चीजों पे प्लीज ध्यान दीजिएगा अगली बार आपको व्हाट्सएप पे कुछ अगर मैसेज आए उसको ट्राई टू चेक द दे सोर्स देखिए उसको गूगल पे थोड़ा और अपनी तरफ से ढूंढिए रिसर्च कीजिए खोजबीन कीजिए कि क्या वो वाकई में सच है या नहीं तो ये तो हुई आ, सोशल मीडिया ये सब की बातें बट देन लाव लेट्स कम ऑन टू न्यूज क्योंकि एक जो जैसे अब एक मानसिकता की हम बात करते हैं एक और मानसिकता है कि अगर अखबार में होगा या फिर टीवी में न्यूज में चैनल में आ रहा है तो अगेन शायद सच ही होगा बट इसमें भी दिक्कत है आई विश लाइफ वॉज सिंपल बट इट्स नॉट तो ये जो प्रोपगैंडा की बात करते हैं जब किसी उद्देश्य की वजह से जानबूझकर आपको गलत सूचना दी जा रही है एंड सैडली आजकल क्या है किताबों और अखबारों और टीवी न्यूज में भी आपको ये मिलता है सो बेसिकली इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मोटिव उद्देश्य जो खबर या जो सूचना आपको दी जा रही है कौन दे रहा है सोर्स क्या है और उस सोर्स का क्या उद्देश्य है क्या वो वाकई में इंडिपेंडेंट है या फिर उनका अपना कुछ उद्देश्य है मोटिव जुड़ा हुआ है आपको वो इन्फॉर्मेशन देने का सिंपल सी बात है जैसे जर्नलिज्म में बोलते हैं फॉलो द मनी पैसे को देखिए कहां से आ रहा है जैसे कि बेसिकली जो न्यूज चैनल है अखबार है वो एड्स पे चलते हैं और अभी एक इस समय पे ज्यादातर जो हमारे जो टीवी नेटवर्क है मीडिया नेटवर्क्स है उसमें कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ओनरशिप रिलायंस की है तो इसीलिए जाहिर सी बात है अगर रिलायंस पैसा दे रहा है इन सभी चैनल्स को आ, या फिर हाँ पतंजलि के एड्स आप सारे चैनल्स में देखते हैं तो जाहिर सी बात है अगर इन रिलायंस या फिर पतंजलि से इतना पैसा न्यूज चैनल को जा रहा है तो ये न्यूज चैनल कभी भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे बल्कि उनकी प्रशंसा ही करेंगे वैसे नीड टू नो ओनरशिप यू नो जैसे जो जी न्यूज जी चैनल है इट इज ओन्ड बाई अ बीजेपी पर्सन सुभाष चंद्र के जो है सुभाष चंद्र नामक जो इंसान है तो ऑब्वियसली उस चैनल में शायद बीजेपी के खिलाफ कोई न्यूज नहीं आएगी वैसे ही जो नेशनल हेरल्ड करके एक न्यूज पेपर है दैट इज कनेक्टेड विथ कांग्रेस तो जाहिर सी बात है उस न्यूज पेपर में आपको कांग्रेस के खिलाफ कभी भी कुछ बात आएगी नहीं ठीक है सो so बेसिक बड़ी ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए कि ओनरशिप किसकी है जो चैनल किसका है और वो आपको जो सूचना बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है कुछ छुपा हुआ उद्देश्य है कि वो वाकई में आपको सच बता रहे हैं जैसे तो वही बेसिकली वोड आई से क्वेश्चन एवरीथिंग एंड क्रेडिबिलिटी यू नो विश्वसनीयता जहां से आपको सूचना मिल रही है उस स्रोत की उस सोर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है आई वुड गो आउट ऑन अलिम्बियन से कि कुछ जो है जैसे इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उसकी क्रेडिबिलिटी है द हिंदू है ये सब कुछ अखबार है जो अभी भी जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं और बीबीसी है एनडीटीवी है कुछ ऐसे चैनल हैं जो वाकई में जर्नलिज्म कर रहे हैं वो पीआर नहीं कर रहे हैं प्रोपागैंडा नहीं कर रहे हैं वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च करके फैक्ट चेक करके ही आपको सूचना दे उसे बैक करें तो बट अगेन लाइक यू नो लाइक आई सेड क्वेश्चन एवरीथिंग मेरी बात मत मानिए आप अपनी और रिसर्च कीजिए इसी पे फिर एक अगला पॉइंट में बात करूंगा फैक्ट एंड ओपिनियन फैक्ट क्या होते हैं तथ्य होते हैं जिसमें जिस विच आर जस्ट फैक्ट यू नो यू कॉन्ट डिस्प्यूट देम तो ओपिनियन क्या हुआ लेकिन राय राय अलो की अलग अलग हो सकती है बट आजकल क्या देखा जा रहा है खासकर टीवी चैनल्स, न्यूज जो आपके आते हैं उसमें हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं और फैक्ट्स की जगह ज्यादातर इट्स ऑल अबाउट ओपिनियंस सो टू मेक अ वेरी इजी डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली फैक्ट क्या है नरेंद्र मोदी इज आर करंट प्राइम मिनिस्टर की नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है वर्तमान में प्रधानमंत्री है दैट इज अ फैक्ट इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अब अगर राय की बात करें तो ठीक है कुछ लोग बोलेंगे मोदी जी हमारे भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर वैसे ही कुछ लोग कहेंगे नहीं वो बिल्कुल बेकार प्रधानमंत्री है ये राय आ जाते आर ओपिनियंस यू नो सो फैक्ट क्या है कि हां वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन राय क्या है अच्छे हैं या बुरे हैं अब इसमें क्या आ जाता है अगेन लाइक यू नो उद्देश्य क्या है जो बोल रहा है अच्छे हैं उनका क्या उद्देश्य है जो बोल रहा है बुरे हैं उनका क्या उद्देश्य है और जब ओपिनियन इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय फैक्ट अगर ओपिनियंस को आप क्या है सपोर्ट ना करें तथ्यों के साथ या फिर लॉजिक के साथ देन इट इज यूजलेस यानी फिर वो खाली हवा में बात रह जाती है एंड अगेन जस्ट बिकॉज अखबार या फिर न्यूज में आपको ये सब बताया जा रहा है विश्वास करने की जरूरत नहीं है अनलेस ये जो ओपिनियंस आपको दी जा रही है सूचना दी जा रही है इफ दे आर नॉट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स कि जैसे अगर कहते हैं आपकी नोटबंदी की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि नोटबंदी अगर आपको टीवी में बताया जा रहा है कि नोटबंदी बहुत ही बेकार स्कीम है उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ इट शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स नंबर्स होने चाहिए रिपोर्ट्स होनी चाहिए स्टेटिस्टिक्स की अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं वैसे अगर दूसरी तरफ से जो डिबेट आती कि नहीं नोटबंदी बहुत अच्छी स्कीम थी तो वैसे ही उसके लिए भी इट शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स कि अगर अच्छी स्कीम थी तो नोटबंदी की वजह से डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमें क्या फायदे हुए क्या नुकसान हुए हमारे देश को एंड सपोर्टेड बाय नंबर्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अब वो अलग बात है कि आजकल नंबर्स और रिकॉर्ड्स पे भी ज्यादा विश्वास नहीं रहा कौज अगैन उद्देश्य की बात आ जाती है बट समाइम जैसे कई बार आप देखेंगे पोलिंग टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे बहुत सर्वे आ जाते हैं सत्तर प्रतिशत लोगों ने कहा ये तीस प्रतिशत लोगों ने कहा ये ऐसे ऐसे करके तो उसमें भी यू नीड टू नो स्रोत वो जो सर्वे है वो किसने कराई गई है अगर मान लीजिए एक सर्वे है जो कहती है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी अस्सी प्रतिशत वोटों से ठीक है फिर आप देखिए वो सर्वे किसने कराई गई है पता चला कांग्रेस के ही किसी इंसान ने कराई है तो फिर उस सर्वे की फिर कोई विश्वसनीयता या फिर क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है तो इन चीजों पे ध्यान देना है तो बेसिकली अगेन वही बार बार जो बात आ रही है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज ऑन द न्यूज और इन द न्यूज पेपर और ऑन द इंटरनेट स्पेशली इंटरनेट पे तो कुछ भी चल जाता है तो प्लीज उस पर विश्वास मत कीजिए अनलेस यू कैन वेरीफाई द सोर्स एंड द फैक्ट बायर सेल्फ इसी को कहते हैं फैक्ट चेकिंग और यही असली क्या है दिस इज लाइक द हॉल मार्क ऑफ जर्नलिज्म अगर पत्रकारिता में अगर फैक्ट चेकिंग ना हो बस राय हो तो वो पत्रकारिता नहीं है उसे हम प्रोपेगेंडा या फिर पीआर पब्लिक रिलेशंस कहते हैं जिसमें बेसिकली आप किसी से कुछ फायदा है आपका आपको एड मनी आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का पैसा आ रहा है या फिर कुछ और आपका अपना उद्देश्य है आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए आप उनकी तारीफ करते हैं तो दैट इज नॉट जर्नलिज्म दैट इज पी बेसिकली कि आप मान लीजिए मेरे एक समोसे की दुकान खोल दी है मेरे समोसे अब अच्छे हैं या बुरे हैं वो नहीं पता लेकिन मैं क्या है आसपास के लोगों को बोलता हूं कि यार मैं तुमको आ, रोज एक हफ्ते तक एक एक समोसा दूंगा फ्री में तुमको सबको बताना है लेकिन बाहर जाके मार्केट में बोलना है कि ईशान के जो दुकान में जो समोसे मिलते हैं वो सबसे बेहतरीन समोसे ऐसे लाजवाब समोसे हमने जीवन में कभी खाए ही नहीं तो दैट इज पियर प्रचार हो रहा है ठीक है अगर मैं ऐसा ना करता ये स्कीम ना होती और तब अगर आप ये बोलते तब वाकई में मेरे समूह से शायद अच्छे हैं लेकिन अगेन यू नो ऑलवेज नो कि जो आपको कोई अपनी राय दे रहा है या फिर सूचना दे रहा है वो ऐसा क्यों दे रहा है क्या उनका अपना कुछ छुपा हुआ एजेंडा है कुछ छुपा हुआ मोटिव है दिस नीड्स टू बी डन एंड दैट इज वाई फैक्ट चेकिंग एंड अगेन जो बातें मैं आपको इस बताता हूं उसको भी आप फैक्ट चेक कीजिए कभी कभार यू you नो know, मैं भी इंसान हूं शायद मेरे भी अपने उद्देश्य है या फिर मुझसे भी कभी गलती हो सकती है सो प्लीज यू शुड डू ऑल ऑफ दैट क्योंकि लाइक इन एंड जैसे क्या है जो बुद्धाज लास्ट वर्ड्स अत दीपो भव यानी कि अपना ही अपना चिराग खुद बनिए अपनी रोशनी खुद बनिए यूज योर ओन इंटेलिजेंस एंड अगेन बी वेयर ऑफ मोटिव उद्देश्य लोग जो आपको बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं इस पर आप हमेशा सोचिए एंड क्वेश्चन एवरीथिंग बिकॉज इन दी एंड यू नो फैक्ट ऑफ द मैटर इज की ये जो खासकर जब अगर टेक्नोलॉजी की बात करिए ये सब हमारे लिए बहुत नया है हम एक ऐसे समय पर हैं जब एक इंसान घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है अपनी राय पहुंचा सकता है इन्फॉर्मेशन बचा पहुंचा सकता है तो ऐसे में और साथ में ये टेक्नोलॉजी हम सबके लिए बड़ी नई है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम रहते हैं हमें लगता है कि स्क्रीन पे जो आया है वो बिल्कुल सत्य है लेकिन ऐसा नहीं है और इसीलिए हम कई बार क्या है अगेन लाइक आई से हम एक आइडियल वी डू नॉट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड एक आदर्श दुनिया में हम नहीं जीते जहां पर हर कोई आपको सच बता रहा है नहीं हर एक का अपना क्या एजेंडा है और इसलिए प्लीज यू नो टू वेरीफाई दिस क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी की अगर बात करें टेक्नोलॉजी इज लाइक एनी टूल इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है और गलत इस्तेमाल भी जैसे अगर एक कुछ भी चाकू होता है उसे आप किसी का मर्डर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यू कैन यूज इट टू क्रिएट लाइक ब्यूटिफुल वुड स्कल्पर्स और लाइक सम अमेजिंग डिलिशियस डिश यू नो सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो टूल सोशल मीडिया इज अ टूल बट प्लीज बी केयरफुल विद इट राइट एंड फाइनली कॉज ऑल ऑफ दिस बेसिकली बात क्या है यह है बात है सच की इट्स अबाउट द परस्यूट ऑफ ट्रूथ क्या सही है क्या गलत है एंड दैट इज वाई यू नीड टू बी फियरलेस प्लीज शेयर दीज आइडियाज शेयर दिस वीडियो पहली बार मैं कह रहा हूं शेयर समथिंग शेयर दिस विद योर अंकल्स एंड आंटीज विद योर पेरेंट्स मम्मी डैडी दादा दादी जो भी फोन पे समाचार देखते हैं या फिर टीवी पे समाचार देख के बिल्कुल मान जाते हैं उनकी बात उन्हें ये सब समझाइए क्योंकि बहुत जरूरी है जैसे हम बात करते हैं सत्यमेव जयते हमारे नेशनल एम्बलम जो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते तो ये चीजें बस यू नो किताबें बातें ना रहे इसे इनका हम अमल करें जस्ट बी Empty टी So, please, you know, it's about the pursuit of truth. Be fearless and do spread this information. इन्फॉर्मेशन क्योंकि ये बहुत जरूरी है और आजकल के समय में वही आपको पता ही है क्या चल रहा है इट्स वेरी इजी टू मैन्युपुलेट एंड स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सो प्लीज बी अवेयर एंड कीप फाइटिंग